इसराइल हमास युद्ध के बीच मिडिल ईस्ट का लाल सागर इसराइल अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के जहाजों के लिए मौत का दरिया बन चुका है। इस दरिया से जो जहाज गुजरता है उसे लाल सागर निकल जाता है। जी हां, यमन के हूती के हमलों ने लाल सागर को मौत का ऐसा दरिया बना दिया है जो आए दिन मालवाहक जहाजों को निगल रहा है। हाल ही में 12 जून 2024 को हूती ने एमवी ट्यूटर जहाज पर अपने तूफान समुद्री ड्रोन और मिसाइलों के जरिए हमला किया था, जिसके कुछ ही समय बाद लाल सागर इसे निगल गया था। लेकिन अब हूती ने एक बार फिर से लाल सागर में एक बेहद ही भयानक हमला किया है। दरअसल हूती ने इसराइल से जुड़े एक मर्चेंट जहाज पर लाल सागर में हमला किया है। हूती ने इस हमले में एक ड्रोन, एंटी शिप मिसाइल और समुद्री ड्रोन से जहाज पर हमला किया। हूती के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याया सारी का कहना है कि हूती ने दो हमले किए हैं। इनमें से पहला हमला इराकी प्रतिरोधी समूह के साथ मिलकर किया गया, जिसमें इसराइल के कब्जे वाले हाइफा बंदरगाह पर कई क्रूज मिसाइलें बरसाई गयी, जबकि दूसरे हमले में लाल सागर में सीजॉय बल्क कैरियर व्यापारिक जहाज पर कई आत्मघाती ड्रोन, रॉकेट और मिसाइलों से हमला किया गया। نفذت قواتنا المسلحة عمليتين عسكريتين وعلى النحو التالي: الأولى عملية مشتركة مع المقاومة الإسلامية في العراق، استهدفت بعدد من الصواريخ المجنحة هدفا حيويا في حيفا، وحققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله. العملية الأخرى استهدفت سفينة سي جوي في البحر الأحمر، وقد تم استهداف السفينة لاختراق الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة، ونفذت العملية بشكل مشترك ما بين سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية والقوات البحرية، وذلك بزورق مسير وعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة. وقد أدت العملية إلى إصابة السفينة إصابة مباشرة ودقيقة بفضل الله. आपको बता दें कि हूती ने कब्जे वाले फिलिस्तीन के हाइफा बंदरगाह पर जहाजों की आवाजाही पर बैन लगाया हुआ है। हूती का कहना है कि जो भी जहाज इस बंदरगाह की तरफ बढ़ेगा वो हूती का वैध टारगेट होगा, और सीजॉय जहाज को लेकर भी हूती ने यही कहा है कि जहाज ने उसके बैन के फैसले का उल्लंघन किया है। वहीं इस हमले को लेकर यूनाइटेड किंगडम मैरिटाइम ट्रेड ऑपरेशंस यानी UKMTO का कहना है कि एक ड्रोन ने दक्षिण पश्चिम अल हुदैदा से करीब 157 किलोमीटर दूर जहाज पर हमला किया। एजेंसी का कहना है कि एक समुद्री ड्रोन जहाज के नीचे जाकर फट गया। वहीं एक थर्ड पार्टी एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ये जहाज अभी भी चालन में है और अगले बंदरगाह की तरफ बढ़ रहा है। वहीं अब ये दूसरी घटना है जिसमें हूती ने उसी तूफान वन समुद्री ड्रोन से सीजॉय जहाज पर हमला किया है, जिस तरह से उसने एमवी ट्यूटर जहाज पर हमला किया था। आपको बता दें कि हूती का कहना है कि ये उसका स्वदेशी समुद्री ड्रोन है जो उसने खुद बनाया है। दूसरे मीडियम साइज ड्रोन्स के मुकाबले इसका आकार काफी छोटा है। हूती ने इसे सिंगल सीटर स्पीड बोट की नकल करके बनाया है। इसकी लागत बेहद ही कम है और इसमें लगने वाला सामान आसानी से मिल जाता है। हूती के इंजीनियर्स ने इस ड्रोन को बनाया है जो मर्चेंट और सैन्य जहाजों को समुद्र में डुबोने की ताकत रखता है। इसका तीसरा वर्जन 500 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जा सकता है। ये करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से समुद्र में दौड़ता है। वहीं तूफान वन का कम दूरी वाला वर्जन 150 किलोग्राम विस्फोटक ले जा सकता है। ये 64 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। इस ड्रोन को कंट्रोल रूम या दूर बैठे ऑपरेटर के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा इसकी पहले से ही प्रोग्रामिंग की जा सकती है, जिससे ये बिना बाहरी हस्तक्षेप के अपने टारगेट के करीब जाकर फट जाता है। ये समुद्र में रुके हुए और चलते फिरते टारगेट पर हमला कर सकता है, और इसके धमाके से बड़े जहाज को भारी नुकसान हो सकता है। आपको बता दें कि हूती के पास तूफान कैटेगरी के 3 वर्जन हैं, जिसे उसने दिसंबर 2023 की मिलिट्री परेड में प्रदर्शित किया था।